वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, अब इस लेक्चर के अंदर हम तीनों एक्टिविटीज़ को कंबाइंड कर देते हैं। जहां से आपके शुरू हो रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी बुक के अंदर टॉपिक होगा। अगर आपके पास बुक है तो आप देख लें बुक में, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको हम सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारे पास सम है गुजरात स्पिनिंग मिल्स वाला सम है। तो इसके अंदर पहली आइटम है हमारे पास शेयर कैपिटल। सम करने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करेंगे और लास्ट तक आएंगे। अगर किसी के आगे नोट दिया हुआ है तो नोट पढ़ लेंगे, नोट नहीं दिया हुआ बिल्कुल शुरू से सम करना है। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि कोई भी आइटम आपकी स्किप नहीं होगी। आपने एक्टिविटीज़ वाइज सम नहीं करना, आपने स्टेटमेंट वाइज सम करना। स्टेटमेंट मतलब पहले कौन सी स्टेटमेंट है, सेकेंड पे कौन सी है, उसके बाद। पहले आइटम हमारे पास शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमारे पास 4 लाख से 5 लाख, तो यहाँ पर हम इश्यू हो रही है इसका मतलब यहाँ लिख देते हैं हम, सी एक्टिविटीज़ में आएगी इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। कितने की इश्यू हुई है, 1 लाख इश्यू होगी तो पैसा आएगा, आएगा तो पॉजिटिव। आगे रिजर्व एंड सरप्लस है, एक नंबर वर्किंग नोट दे रखा है। एक नंबर वर्किंग नोट में हमारे पास जनरल रिजर्व 1 लाख से 1,15,000 हो रहा है, तो यहां लिखेंगे हम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना ट्रांसफर कर देंगे हम, 15,000। आगे क्या हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, 1,10 से 1,90, तो हमारे पास प्रॉफिट हुआ कितने का, 80,000 का। तो यहां लिख दें आप नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 80,000 लगा दिया। फिर है हमारे पास दो नंबर पॉइंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दो नंबर नोट देखेंगे। दो नंबर नोट में दे रखे हमारे पास 12% डिबेंचर्स हैं। 12% डिबेंचर 2 लाख से 1.5 लाख हो रहे हैं, अगर आप साल देखेंगे 2 लाख से 1.5 लाख, तो इसका मतलब रिडम्पशन हो रहे हैं। तो लिखेंगे आप रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर कितने हैं, 12% डिबेंचर 50,000। आगे 14% मॉर्गेज लोन है हमारे पास, 1,00,760 का हो रहा है, तो इसका मतलब हमने लोन लिया है, लोन टेकन एट द रेट 14% पर एनम कितना है लोन, 1,60,000 का, तो 60,000 का हमने लोन लिया है, तो ऐड कर देंगे हम। आगे है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज़, और करंट लाइबिलिटीज़ हम यहाँ लगाएंगे, हेडिंग बना लेते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंजेस, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, लाइबिलिटीज़ हैं इंक्रीज हो रही हैं, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ 15,000 इंक्रीज हो रही है, तो ऐड। फिर हमारे पास फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स हमारे पास 5 लाख से 7 लाख, इसका मतलब हमने परचेज की होंगी तभी इंक्रीज हुई हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स कितने की परचेज हुई हैं, 2 लाख परचेज किया, तो माइनस पैसा जाएगा कैश। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 70 से 56 कम हुई हैं, कम हुई तो उसको मतलब सेल की होंगी ना, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000 आया है, कैश आया है तो ऐड कर दी, सेल से पैसा आता है परचेज से जाता है। आगे इन्वेंट्री हमारे पास 2,10,000 से 2,80,000 इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री ब्रैकेट में लिख दो करंट असेट्स 70,000 की इंक्रीज हो रही है, तो क्या करेंगे हम माइनस, क्योंकि असेट्स करंट असेट्स जो होते हैं वो उल्टी चलती हैं, ऑपोजिट चलती हैं। इन्वेंट्री के बाद क्या हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में 3 हैं हमारे पास डेटर्स, डेटर्स कितने के हमारे पास 125 से 94, तो कितने बन गए 25 एंड 6 31,000
लिखेंगे क्या हम, डिक्रीज इन करंट असेट्स, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, असेट्स का नाम, असेट्स का नाम क्या है, सन्ड्री डेटर्स, कम हो रहे तो ऐड कर दिए, बिल्स रिसीवेबल 15 से 20 ये बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन बिल्स पेबल, कितने इंक्रीज इन बिल्स पेबल 15 से 20, तो 5000 के हैं, 5000 के बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे हम, माइनस। और कुछ है लास्ट में देर के, हमारे पास इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म, तो जो इंटरेस्ट पेड है वो ऐड कर देंगे हम यहाँ पर, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है, 37,800, ठीक है। और ऑपरेटिंग में ऐड कर दिए, फाइनेंसिंग में क्या कर देंगे हम, माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 37,800 पेड है तो माइनस कर दें। आगे देखो और कुछ भी नहीं है, सब में कैश है, कैश के बाद में ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखो हम कैसे करेंगे, आप सबसे पहले 15 and 15, 30 and 80, 110 and 31, 141 और 37,800 तो कितने बन गए हमारे पास, 178,800, ये तो हो गए प्लस के। अब माइनस के देखो, माइनस के क्या हमारे पास 75,000 माइनस के हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 103,800। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी से कैश आ गया कितना, 103,800। दूसरी से देखेंगे अब, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो इन दोनों का होगा वो यहाँ लिख दो, 2,00,000 में से 14,000 का, तो मैं क्या बचेगा हमारा, 1,86,000 माइनस के हैं तो यूज लिखेंगे हम, अब फ्रॉम के बजाय यूज्ड, यूज मतलब माइनस में आ रहा है आंसर। अब देखो 160 हो गए यहाँ पर, 160 में से गए तेरे 50 और 37,000, 87,800, तो क्या बचेगा मेरे पास, 72,200। तो इसको क्या लिखेंगे हम, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन तीनों एक्टिविटी से हमें पता चल गया कितना आया है। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को टोटल करना है। देखो 103,000 और 72 कितने हो गए, 175, 176 प्लस के हैं और 186 माइनस के हैं, तो देखो कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यार हमारे पास कितना 10,000 माइनस का, इन तीनों को टोटल करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में माइनस का है, ये दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को प्लस किया, ये माइनस का किया, तो हमारे पास कितना आ गया 10,000 माइनस का। अब इसमें ऐड कर देंगे हम क्या, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विलेंट्स। अब आपने क्या करना है, इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विलेंट ऐड कर देना, तो ओपनिंग कैश देखो कितना है हमारे पास 70,000 का। अब 70,000 ओपनिंग है, 10,000 माइनस किया तो क्या बचेगा हमारे पास 60। अब आप बुक में देखो कि क्या क्लोजिंग जो कैश है वो 60,000 है, अगर क्लोजिंग इक्विल 60,000 होगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विलेंट, तो इसका मतलब क्या है, हमारा सम ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो गलत है, ये आपको पता चल गया खुद का ही खुद, आपने कोई आंसर देखा ही नहीं, आपने क्या किया तीनों एक्टिविटीज को लिया, आपने क्या किया उसमें ओपनिंग कैश ऐड कर दी, आपको पता चल गया किसके बराबर आ रहा है, इक्विटी के, या आप खुद मैच कर सकते हैं कि आपका सम ठीक है या नहीं। आपको बुक में आंसर देखने की जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन पेपर में आंसर देखने की जरूरत नहीं, आपको इमीडिएट खुद पता चल गया, ठीक है ना, कैश एंड कैश इक्विलेंट आपको क्वेश्चन के अंदर यदि गिवन होगा तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि मेरा जो सम है वो ठीक है या गलत है। तो ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक सिंपल क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे।
इससे एक छोड़कर सम है वो निकालेंगे आप, एबीसी लिमिटेड वाला सम है। प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, ये आपका सीबीएसई में आया भी हुआ है पेपर के अंदर, तो इस सम को मैं करवा देता हूँ। और इस सम के आप ऊपर आप इम्पोर्टेंट भी लिख लें। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाने चले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये बना लिया हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वही काम दोबारा करना है हमने कि सम को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ए बी एंड सी, ठीक। और यहाँ ऊपर लिखेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऊपर लिख लो, लिख लिया। अच्छा शुरू करो, शुरू करने से पहले शेयर कैपिटल लिखी हुई है आपकी 60 से 70, तो इसका मतलब इश्यू है। यहाँ लिख दें आप इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू कर दिया आपने, कितने की कर दी 10,000 की। आगे रिजर्व एंड सरप्लस के लिए एक नंबर देखो, एक नंबर में कह रहा कि आपके पास पहले रिजर्व था 20 का, अब हो गया 30 का, तो इसका मतलब आपने ट्रांसफर किया है। लिखें आप ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना ट्रांसफर कर देंगे हम 10,000। आगे है हमारे पास स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस, पहले हम 12,000 माइनस में थे, अब हम 14,000 प्लस में हैं। कहने का भाव पहले हमारे पास 12,000 का लॉस था, अब हमारे पास 14,000 का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया। कई बच्चे कहेंगे 2,000, कई बच्चे कहेंगे 14,000, कई कहेंगे 26,000। आपका आंसर क्या है? आपका आंसर होना चाहिए 26,000। क्यों? क्योंकि पहले हम 12,000 माइनस में थे, यानी हमारे खाते में से डेबिट थे पहले, अब हमारे पास 14,000 प्लस में है, यानी पहले हमने 12,000 कवर किए और फिर 14,000 प्लस में है, तो दोनों को ऐड कर देना चाहिए। हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 26,000। तो यहाँ लिख दें आप प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 26,000। आगे बढ़ेंगे, आगे है हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग 50 से 50 की है, ना इश्यू है ना रिडम्पशन है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, ना ऐड ना लेस। ट्रेड पेबल दो नंबर नोट, ट्रेड पेबल में क्या रखा है हमारे पास, पहले हमारे पास क्रेडिटर्स थे 65,100, अब हमारे पास 23,500, तो यहाँ लिखेंगे आप इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। ट्रेड पेबल कितने के हैं? देखो 23,500 में से कितने माइनस कर देंगे 6,500, तो क्या बचेगा हमारे पास 17,000 इंक्रीज है। इंक्रीज हो तो हम क्या लिखेंगे 17,000 प्लस। आगे कहता है हमारे पास बिल्स पेबल, पहले 2,500 थे अब 1,500 हैं, तो ये डिक्रीज हो गए। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज बीपी 1,000 है ना, यस 2,500 से 1,500 कम हो रही है, तो कम हो रही है तो माइनस। आगे क्या करेंगे हम, फिर हमारे पास असेट्स पर आ जाओ। असेट्स में पहली है हमारे पास टेंजिबल असेट्स। अब टेंजिबल असेट्स का नीचे वर्किंग नोट दे रखा है, तो जिसका भी वर्किंग नोट जिससे नीचे एडजस्टमेंट दे रखी हो आपको उस असेट्स का अकाउंट बना लेना चाहिए। तो यहाँ बना लिया आपने छोटा सा अकाउंट, टी शेप अकाउंट, लेजर अकाउंट, ये बोल बनाते हैं हम लेजर अकाउंट। मैंने आपको परसों वाले लेक्चर में समझाया था असेट्स का अकाउंट कैसे बनाते हैं, टेंजिबल असेट्स अकाउंट, ये डेबिट है और ये क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से। ओपनिंग बैलेंस कितना हमारे पास असेट्स का 84,000, और क्लोजिंग कितना है हमारे पास बाय बैलेंस सीडी, ये है हमारे पास 98,000। आगे क्या है हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले 6 थी अब 16 है, तो इसका मतलब हमने क्या की होंगी, परचेज की होंगी, तभी तो बड़ी है। परचेज करोगे कोई भी असेट्स तो इंक्रीज हो जाएगी, सेल करोगे तो कम हो जाएगी। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10,000, परचेज है तो ब्रैकेट का साइन। आगे देखो
करंट इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैंने आपको पहले लेक्चर वाले दिन समझाया था कि आप करंट इन्वेस्टमेंट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, चेक इन हैंड, चेक ऑन डिमांड को कैश इक्विवेलेंट माना, तो कैश इक्विवेलेंट है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज हमारे पास पहले 12,000 थी, अब 49,000 है, तो इंक्रीज हो रही हैं, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो 12 से 49, तो 37 की बढ़ रही हैं, तो 37 आप क्या कर देंगे, माइनस। आगे क्या है हमारे पास, कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट आता नहीं होता। अब हमारे पास फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन गिवन है टेंजिबल फिक्स असेट्स पर 8,000। डेप्रिसिएशन कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में, ध्यान से देखना, डेप्रिसिएशन सेल और लॉस यहाँ आएगा, तो यहाँ लगा दो आप बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना डेप्रिसिएशन 8,000। आगे क्या कहता है हमारे पास, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 5,000। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर क्या एंट्री करते हैं, दो एंट्री करेंगे इसकी, ओपनिंग ऑपरेटिंग में ऐड इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, कितना है 5 है कि 8 है, 5, तो यहाँ पर 5,000 ऐड और यहाँ से 5,000 माइनस, किस नाम से करोगे, इंटरेस्ट पेड के नाम से, क्लियर हो गया। अब कर लेने के बाद हमने क्या करना है, इस अकाउंट को टोटल करना है, पहले तो देखो कैसे टोटल करेंगे, 98 and 8 106, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 106 में 84 गए तो क्या बचेगा हमारे पास 22,000, ये क्या आ गया हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज इन बैलेंसिंग फिगर, यानी आपकी परचेज निकल आई किस साइड, डेबिट साइड, कितनी 22,000, तो यहाँ लिखेंगे आप परचेज ऑफ टेंजिबल असेट्स, कितने के लिखोगे 22,000। अगर आप ये अकाउंट ना बनाते तो आपका जो आइटम आनी थी वो आनी थी 12,000, अगर आप 14,000, अगर 14,000 ही यहाँ लिखते सम गलत हो जाना था आपका। ध्यान रखना है जो भी असेट्स गिवन हो, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो और नीचे एडजस्टमेंट हो, तो आपको क्या करना चाहिए, उसका लेजर अकाउंट बना लेना चाहिए, वो बना लिया आपने और इसके बाद आपका ठीक रहा जाएगा सम। अच्छा, अब ओपनिंग और क्लोजिंग को छोड़कर यहाँ पर जितने भी बातें होंगी सभी आपने एक्टिविटीज़ में नोट करनी है। आई रिपीट, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को छोड़कर जितनी भी इस अकाउंट में बातें होंगी ना आपने सारी यहाँ पोस्ट करनी है। अब देखो जैसे ये तो पोस्ट हो गई, ये यहाँ पर आ गई, रह क्या गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहाँ आपका होता है, ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं तो ऐड कर दो यहाँ पर, ऐड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, तो ये है हमारे पास 8,000, क्लियर हो गया। अब करते सम को, तो देखो कैसे करेंगे हम, 26 and 10, 36 and 5, 41 and 8, 49, 49 and 17, 66 में से गए आपके 38,000, तो क्या बचेगा हमारे पास 28,000, तो चेक कर ले इतना ही आ रहा है, बिल्कुल इतना है 28,000, तो मैं क्या लिखेंगे आप, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लगा दिया। अब देखो 22 और 10 कितने हो गए 32,000, इसको क्या करना है आपने, मैच कर लेना कि आप इतना ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 32 आ गया। अब आप फाइनेंसिंग करें 10 and 5, तो कितने आ जाएगा 5, ये क्या है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कितना है ये 5,000 आ गया। अब ऐसा काम कर लेने के बाद आपने क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी देखो 28 और 5 कितने हुए 33,
33 प्लस के है, 32 माइनस के है, तो हमारे पास क्या बचेगा 1000 माइनस का। इसमें ऐड कर दो क्या, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विलेंट्स। अब कैश में कैश एंड कैश इक्विलेंट कितना है देखो ध्यान से, तो कैश हमारे पास ओपनिंग है 5 और 20 का करंट इन्वेस्टमेंट है, तो 5000 का तो कैश इक्विलेंट है और 20000 का क्या है हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट, जो हमने छोड़ी थी ना, मैंने बताया था आपको कैश इक्विलेंट है, तो 5 एंड 20 कितने हो गए 25000। अब आपके किसके बराबर आना चाहिए क्लोजिंग के, क्लोजिंग आपका कितना होना चाहिए 24। चेक करते हैं क्या इतना आ रहा है, इज इक्वल टू यहाँ पे साइन दे देना है कैश एंड कैश इक्विलेंट्स इन क्लोजिंग। क्लोजिंग में देखो आपका कितना कितना है 8 and 18 है, 8 and 18 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो 1 and 25 कितना आ जाएगा 26 होगा यहाँ पर, तो 8 and 18 भी कितने होते हैं 26000। इसका मतलब हमारा सम क्या है बिल्कुल ठीक है। देखो 28 और 5 कितने हुए 33, 32 माइनस किया तो 1000 बचा पॉजिटिव का, 25 ओपनिंग है तो 25 और कितना आ गया आंसर हमारे पास 26। तो ये आपने सम करना है कुछ इस प्रकार, ठीक है, ये आपका मैंने कुछ और सम करवा दिया। अगर आप के पास बुक है तो आप जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 या 4 सम आगे और कर सकते हैं 32 से लेकर, दिक्कत कोई नहीं आएगी आपको, अगर दिक्कत आ जाए तो एक अदर पॉइंट में ही आएगी, तो उस पॉइंट को आपने टिक मार्क कर लेना और फिर आपने मुझसे पूछ लेना वो पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम आपको और समझाएंगे, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।